हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, फाइनली रेडमी अपना फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन रेडमी के 50i को जो है 28 जुलाई, मतलब 20 जुलाई को जो इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाला है। एंड आज की इस वीडियो में लॉन्च से पहले ये स्मार्टफोन के इंडिया वाले वेरियंट के 100% कन्फर्म स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ। इंडिया में आपको क्या प्राइस पॉइंट पर देखने को मिल सकता है, ऑफर के साथ में क्या प्राइस पॉइंट पर मिल सकता है, कंप्लीट डिटेल यहाँ पर देने वाला हूँ। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लॉन्च डेट तो मैंने आपको बताया, 20 जुलाई को Redmi K50i इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। Amazon एक्सक्लूसिव है, Amazon पर ऑलरेडी इसका लैंडिंग पे जा चुका है। कुछ स्पेसिफिकेशन, एक दो स्पेसिफिकेशन Redmi इंडिया ने कंफर्म करा है, लेकिन ये वीडियो में मैं आपको 100% कंफर्म स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ। बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से ये स्मार्टफोन के कंप्लीट स्पेक्स बता देता हूँ। बिल एंड डिजाइन की अगर हम बात करें, बैक पैनल देखोगे, दिखने में फोन यहाँ पर काफी सिंपलिस्टिक लुक के साथ में आता है। बैक अगेन यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट वाला मिलेगा। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गेन आपको 6.6 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है। आईपीएस पैनल यहाँ पर होने वाला है। रैम एंड रोम की अगर हम बात करें, इंडिया में बताया जा रहा है आपको 2 से 3 वेरिएंट में देखने को मिलेंगे। 628 से स्टार्ट होगा, देन 828 है, देन 8256 GB है। डुअल सिम का सपोर्ट है, एसडी कार्ड स्लॉट नहीं है। साथ ही में यहाँ पर आपको UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप एंड LPDDR5 वाला रैम टाइप भी देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, जो कि आप बोल सकते हैं स्मार्टफोन का सबसे बड़ा हाइलाइटिंग फीचर है, क्योंकि यहां पर आपको MediaTek का फ्लैगशिप चिपसेट Dimensity 8100 वाला चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ 5nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, काफी ज्यादा पावरफुल है। एंटीटू स्कोर की अगर हम बात करें, 8,22,000 के आसपास देखने को मिलता है। तो परफॉर्मेंस यहां पर आपकी इनसेन रहने वाली है। स्टोरेज एंड रैम टाइप भी अच्छा मिल रहा है एंड आपको चिपसेट भी काफी तगड़ी वाली मिल रही है। साथ ही में 5G बैंड की बात करें तो अराउंड 12 से 13 5G बैंड का सपोर्ट यहां पर देखने को मिलने वाला है। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको बैक में ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप मिलेगा, 64 प्लस 8 प्लस 2 मेगापिक्सल का, जबकि 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया जाएगा। एंड्रॉइड वर्जन एंड यूआई की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 12 मिल जाएगा। MIUI 13 पे यहां पर ये रन करेगा। सेंसर्स यहां पर आपको सारे देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट मिलता है, जो कि रेयरली हमें कोई स्मार्टफोन पर मिल रहा है आज की डेट में। साथ ही में डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहां पर अगेन आपको 5080mAh की बैटरी मिलेगी टाइप सी पोर्ट के साथ में। डिवाइस सपोर्ट करेगा 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग को एंड आउट ऑफ द बॉक्स आपको 67 वॉट का चार्जर Redmi इंडिया जो प्रोवाइड कराने वाला है। सो गाइस, ये ओवरऑल यहां पर आपको 100% कंफर्म स्पेसिफिकेशन अपकमिंग Redmi K50i स्मार्टफोन के इंडिया वाले वेरिएंट में देखने को मिलेंगे। अब बात कर रहे थे क्या प्राइस पॉइंट तक के स्मार्टफोन इंडिया में यहां पर लॉन्च हो सकता है। जो 628 वाला वेरिएंट है, इंडिया में स्टार्टिंग प्राइस बताई जा रही है ₹25,000 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन पहले फ्लैश सेल में आप सभी को पता है भाई, अब जो कोई भी ब्रांड आ रहा है, मतलब 3-4 हज़ार रुपए का तो इजीली जो डिस्काउंट दे देते हैं, मतलब कार्ड पे डिस्काउंट है, एक्सचेंज का ऑफर वगैरह है। पोको F4 के टाइम में भी हमने देखे थे पहले फ्लैश सेल में कितना डिस्काउंट दिए थे, वैसे यहां पर Redmi K50i के पहले फ्लैश सेल में बताया जा रहा है तगड़ा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। 4-5 हज़ार रुपए का भी अगर आप डिस्काउंट पकड़ते हो तो 20-21 हज़ार रुपए के आसपास बताया जा रहा है देखने को मिल सकता है। वो प्राइस पॉइंट पे काफी किलर आप बोल सकते हो परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन यहां पर ये होने वाला है। वैसे गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना Redmi K50i स्मार्टफोन के लिए आप वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एंड ये स्पेसिफिकेशन को देखते हुए आपके हिसाब से Redmi इंडिया को इसकी प्राइस पॉइंट क्या रखनी चाहिए, आपके हिसाब से इसकी सही प्राइस पॉइंट क्या रहेगी, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि हम सबको पसंद आई होगी, एंड गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।